मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो बॉलीवुड में छेद की बात कर रही थी, जी हां, जया बच्चन उनके ही पति परमेश्वर अमिताभ बच्चन, जिनका शो केबीसी कल आया और प्रसारित, लेकिन वो बात नहीं रही जो पहले थी। अब इसकी वजह क्या है ये आप सबको पता है। जया बच्चन जो राज्यसभा में जाकर ये कहती है कि जिस थाली में आपने खाया है उसी में आप छेद कर रहे हैं, इसका जवाब अमिताभ बच्चन को भी देना होगा क्योंकि वो इसी देश में रहते हैं और इसी देश में रहकर जिन जनता ने उनको महानायक बनाया है आज वो जनता को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जनता के साथ नहीं खड़े हुए हैं, बल्कि वो ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया के साथ खड़े हुए हैं और इसीलिए केबीसी का विरोध हो रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि कल केबीसी का प्रसारण हुआ और उसमें कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जिन सवालों की चर्चा जोर शोर से हो रही है कि आखिर वो क्या सवाल है वो हम आपको बता रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में अगर देखें तो अमिताभ बच्चन पहले दिन से ही चुप्पी साधे हुए हैं, वो किसी भी बात को लेकर जवाब नहीं दे रहे हैं। उनकी बेटी रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रही थी क्योंकि ड्रग्स मामले में उनकी बेटी पर भी जांच हो सकती है, करण जौहर के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर निशाना कसा जा रहा है, उनके घर पर जो पार्टियां हुई हैं उसकी जांच हो रही है। लेकिन इसी बीच जब इनकी बेटी श्वेता बच्चन रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करती हैं और उसके बाद उनकी बहुत सारी वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें वो नशे में धुत नजर आ रही हैं, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब उसकी भी जांच होगी कि क्या उन्होंने ड्रग्स लिया या किसी प्रकार का कोई नशा किया। यहां तक कि सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि जया बच्चन ने इसीलिए राज्यसभा में जाकर बोला तभी उनको मिर्ची लगी क्योंकि उनको ये लग रहा था कि बात उनके घर तक आ गई और अगर वहां से बड़ा खुलासा हुआ तो फिर वो जो महानायक बन के घूम रहे हैं और जनता उनको महानायक नहीं बल्कि महानालायक कह रही है, अगर पूरी बातें जनता को पता चलेगी फिर जनता उनको क्या जवाब देगी। लेकिन अब ये जनता समझ चुकी है कि उनकी बेटी और उनकी जो पत्नी है वो किसका सपोर्ट कर रही है, किसके सपोर्ट में खड़ी हुई है और ये मौन क्यों है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनके बेटे और बहू का करियर अभी बॉलीवुड में है और वो बना सकते हैं अपना करियर, लेकिन इनके बेटे का जो करियर है वो खत्म हो गया है, बहू का भी करियर अब खत्म होने के ही कगार पर है क्योंकि आपने देखा लास्ट जो उनकी फिल्में आई हैं वो कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई हैं। तरबजीत जो फिल्म आई थी ऐश्वर्या राय की वो थोड़ी अच्छी थी, इससे जो लास्ट उनकी फिल्में रही हैं सबसे अच्छी अगर बात करें तो वही रही है, उसके बाद उनकी जो फिल्में हैं ना तो उनको ज्यादा काम मिल रहा है और पिट रही है। लेकिन अब जनता चाहे पूरा बच्चन परिवार हो कोई भी आ जाए उसका बहिष्कार कर रही है। केबीसी के पहले एपिसोड में दिल बेचारा का एक गाना सुनाया गया और पूछा गया कि इस गाने को सुनकर बताएं कि किस अभिनेत्री ने इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया है। ये सवाल पहली कंटेस्टेंट आरती जगताप से अमिताभ बच्चन ने पूछा और इसका जो सही जवाब था वो था संजना संघी। ये पूरी नौटंकी थी सुशांत सिंह राजपूत मामले में जब ये मौन थे तो ये सवाल जो पूछा गया है ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो जनता का सेंटीमेंट है उसको हासिल करने की जरूरत कर रहे हैं। इसी के साथ आपको हम कुछ और भी खास चीजें बता रहे हैं जो ट्विटर पर लगातार अमिताभ बच्चन का विरोध हो रहा है। उसके पहले एक और सवाल आपसे हम साझा कर रहे हैं जो केबीसी में पूछा गया, ये सवाल था 2020 में घटने वाली इन घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाएं, नंबर एक जो ए था ऑप्शन नमस्ते ट्रंप, बी था जनता कर्फ्यू, सी था अम्फान चक्रवात और डी था भारत में लॉकडाउन। अब ये सारे जो सवाल अमिताभ बच्चन ने अपने उसमें पूछे हैं ये दिखाता है कि किस तरीके से पूरा ये एक तरफ से लोगों का जो सेंटीमेंट है वो एक बनाने की कोशिश की जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले से हम कितने प्रभावित हैं, हम उनका जो उनकी फिल्म है उसका हम गाना यहाँ पर दिखा रहे हैं, हम उसका एक तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ जनता का जो माइंड है वो चेंज करने के लिए और जनता का रुझान अपने शो पर लाने के लिए किया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। टीआरपी इनकी बहुत ही घटिया गई है, आप देखेंगे जब वीकली डाटा आएगा उसमें दिखाई देगा कि जो पहले वाली बात थी जो बिग बी थे अब वो बिग बी नहीं रहे, महानायक कभी जमाने में हुआ करते थे आज वो महानायक नहीं है। अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट भी किया और उसमें उन्होंने अपने पिता की कविता भी लिखी, उन्होंने ट्विटर पर एक कविता लिखी है, अपने पिताजी की कविता उन्होंने लिखी है और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि विपदा के मन में बल का हथियार चलाना पड़ता है, अपने हिस्से का सूरज भी खुद खींच के लाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। और ये सोनी टीवी पर जो ये प्रोमो आया है उसमें भी उन्होंने सुनाया है, लेकिन इस पर जनता क्या प्रतिक्रिया दे रही है ये हम आपको बता रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे नहीं जबकि 99% लोग हैं जो बायकॉट केबीसी और बायकॉट बिग बॉस की बात कर रहे हैं, केबीसी को लगातार बायकॉट करने की बात चल रही है, ये अपने आप को बचाने के लिए और पूरे मामले में ये जो पूरी चुप्पी साधे हुए
हुए हैं, ये दिखाई देता है कि सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद पैसा कमाना होता है, बाकी इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। देश की जनता ने इन्हें महानायक बनाया, लेकिन ये देश की जनता के साथ नहीं खड़े हैं। तो बायकॉट बिग बॉस, बायकॉट केबीसी के साथ ही कंगना रनौत का जो इतना बड़ा हमला उद्धव सरकार पर है, दोस्तों जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोई भी अगर सरकार के खिलाफ सवाल पूछता है या सवाल खड़े करते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। आपने देखा कि मीडिया की आवाज को दबाने के लिए रिपब्लिक भारत पर किस तरीके से कई प्रहार किए गए, लेकिन उद्धव सरकार उसमें नाकाम रही। अब जब सोशल मीडिया या यूट्यूबर है कोई अगर सवाल उठाता है, डिजिटल मीडिया का अगर कोई पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, किसी भी चीज को लेकर महाराष्ट्र सरकार से सवाल करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि ये दिखाता है कि तानाशाही है। अभिव्यक्ति की आजादी की बात जो कांग्रेस करती आ रही है, उसकी सरकार महाराष्ट्र में है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही है। और इसीलिए कंगना रनौत ने उद्धव सरकार पर बड़ा हमला बोला है और कांग्रेस से भी उन्होंने सवाल किए हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है इस पर कांग्रेस को भी जवाब देना होगा, क्योंकि कांग्रेस जो हर राज्य में, वो जहां पर बीजेपी की या किसी और पार्टी की, खासकर बीजेपी की सरकार होती है, वहां पर वो मच्छर या चूहे मरने पर भी वो हंगामा करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो इतने दिनों से चल रहा है, इस पर कांग्रेस क्यों मौन है? क्यों सोनिया गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहती कि डर का माहौल महाराष्ट्र में है? क्यों सोनिया गांधी ये नहीं कहती कि अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म कर दिया गया है महाराष्ट्र में? लेकिन पूरी कांग्रेस इस पर मौन है। जो कुछ भी हो रहा है उसके इशारे पर ही हो रहा है। सोनिया सेना और बाबर सेना बन चुकी शिवसेना पर हमला बोलते हुए कंगना रनौत ने साहिल के सपोर्ट में, जो एक यूट्यूबर है और जिसने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सरकार से कुछ सवाल पूछे थे और सरकार इतने दिनों से जो सीबीआई के खिलाफ थी, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के खिलाफ गई और वहीं पर पूरे मामले को दबाने के लिए संजय राउत फडणवीस से मिलने जाते हैं, तब जनता सवाल पूछेगी ही। और जनता, ये आपको समझना होगा कि यहां पर आप कोई तानाशाह नहीं है, ये जो पूरा देश है ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जनता का सवाल पूछना वाजिब है। अगर कोई सवाल पूछ रहा है उसके बाद अगर आप जेल में डाल रहे हैं तो ये बेहद ही शर्मनाक है और इससे ये दिखाई देता है कि लोकतंत्र महाराष्ट्र में नहीं बचा है। अब इसी को लेकर कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया है, साहिल को गिरफ्तार किया गया और उसके लिए जनता आवाज उठा रही है कि उनको रिलीज किया जाए। अब इस पर कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मुंबई में ये क्या गुंडा राज चल रहा है? कोई भी दुनिया के सबसे अयोग्य मुख्यमंत्री और उसकी टीम पर सवाल नहीं उठा सकता है क्या? ये हमारे साथ क्या करेंगे? हमारे घर तोड़ेंगे और मार डालेंगे? कांग्रेस पार्टी इसके लिए जवाबदेह है। कांग्रेस पार्टी से उन्होंने सवाल पूछा है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, लेकिन वो अभिव्यक्ति की आजादी उन टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों के लिए, उन आतंकियों के लिए, जो कुछ भी भारत, जो हमारा महान देश है, उसके बारे में जब वो बोलते हैं, टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, उसके लिए अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन अगर कोई किसी सरकार पर सवाल पूछ ले तो वहां पर लोकतंत्र और संविधान और कानून से परे होकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब इस तरीके से जब पुलिस पर दबाव बनाकर और ये गिरफ्तारी करवा रहे हैं, ये साफ साफ दिखाता है कि मानसिकता इनकी क्या है। मानसिकता वही है जो मुगलों ने जिस तरीके से आक्रमण किए, जिस तरीके से अत्याचार किए हैं, वो वही मानसिकता दिखाती है। कंगना रनौत ने कुछ दिन पहले जो बाबर सेना कहा था वो कुछ गलत नहीं कहा था। अब कंगना रनौत ने जब उद्धव सरकार से ये गुंडा राज की बात कही है, और गुंडा राज अगर देखें सही मायने में तो मुंबई में चल भी रहा है। उत्तर प्रदेश जो जंगल राज और गुंडा राज कभी हुआ करता था, लेकिन आज अगर बात करें तो सबसे अच्छा और उत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश बन गया है और महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी समस्या वहां पर है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश दिखाई देता है, महाराष्ट्र दिखाई नहीं देता। वो उत्तर प्रदेश जहां की जनता खुश है कि आज जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है, सरकार उन पर नकेल कस रही है, उनके घर गिराए जा रहे हैं, जो अवैध बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाई गई थी वो सारी गिराई जा रही है, वो ध्वस्त की जा रही है, जंगल राज और गुंडा राज से हमें मुक्ति मिल रही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जो अगर सरकार की आलोचना कर रहा है, उनका ऑफिस तोड़ा जा रहा है, उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है, पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही है, सदन में विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो प्रियंका गांधी वाड्रा को इस पर जवाब देना ही होगा। इसी के साथ कंगना रनौत ने अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की भी मांग की है। आप सबको पता है कि किस तरीके से अनुराग कश्यप पर पायल घोष ने आरोप लगाए हैं और ये जो आरोप हैं उसके बारे में वो अनशन पर भी बैठी हैं और गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं, क्योंकि अनुराग कश्यप ने जिस तरीके से उनके साथ जो कुछ भी किया, पायल घोष का ये कहना है कि उन्होंने जबरदस्ती की थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये आरोप लगाए हैं और उसके बाद FIR भी मुंबई पुलिस उनकी नहीं दर्ज कर रही थी। इन सब चीजों को लेकर सवाल वो उठा रही हैं। अब इस पर कंगना रनौत ने
अनुराग कश्यप पर निशाना साधते हुए कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए जाने पर कोई व्यक्ति अचानक साहिल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देता है, जो कि लोकतांत्रिक अधिकार है, और साहिल को तुरंत जेल भेज दिया जाता है। लेकिन पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ कई दिन पहले रेप का मामला दर्ज कराया, लेकिन अब वो आराम से घूम रहे हैं। क्या ये सब कांग्रेस पार्टी है? इससे पहले कंगना रनावत ने कई ऐसे ट्वीट किए थे जिसमें उन्होंने उद्धव सरकार पर निशाना साधा था। अब कंगना रनावत जो लगातार सरकार पर हमला बोल रही हैं, और वहीं पर संजय राउत बड़ी बड़ी जो डिंगे मार रहे थे, आज वो कोर्ट में किस तरीके से फंसे हुए हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। कंगना रनावत से इतने डरे हुए हैं संजय राउत कि वो ये कह रहे हैं कि हरामखोर, उन्होंने कंगना रनावत को कहा ही नहीं, जबकि उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर कहा था और ये सबने देखा कि वो जो बाइट उनकी चली कि उन्होंने कंगना रनावत के लिए हरामखोर शब्द का प्रयोग किया। कोर्ट ने इस पर जवाब भी मांगा है कि आपने किसको कहा हरामखोर शब्द, किसके लिए प्रयोग किया। इससे ये दिखाई देता है कि महाराष्ट्र सरकार में चाहे वो संजय राउत हों या फिर इनके जो नेता हैं, उनको ना तो सरकार चलानी आती है और ना ही उनको जो वहां पर अव्यवस्थाएं हैं वो दिखाई दे रही हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता मिली है और उस घमंड में इतने चूर हैं कि वो उलूल जुलूल बयान दिए जा रहे हैं। लगता है पहली बार सत्ता मिली है और हम बहुत बड़े राजा बन गए हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि वो राजा नहीं बल्कि वो सेवक बने हैं और जनता की सेवा करने के लिए वहां पर जनता ने बिठाया है आपको, तानाशाही करने के लिए नहीं। अब कंगना रनौत के साथ ही अगर बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में कंगना रनौत ने भी बड़े बड़े खुलासे किए हैं। एनसीबी छापेमारी कर रही है, बड़े बड़े लोगों से पूछताछ चल रही है, लेकिन अब इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।